हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो देखिएगा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी कि एएसओ है ना, एएसओ का यहाँ पे एग्जामिनेशन का डेट आ गया है। अब आप बोलिएगा कौन सा एग्ज़ाम का डेट आ गया भाई, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी बिहार विधान परिषद के अंतर्गत, ठीक है, जो वैकेंसी आई हुई थी एएसओ की, साथ ही साथ रात्रि प्रहरी इन सब और सब भी मिला के जो वैकेंसी आई हुई थी, तो उसका एग्जामिनेशन डेट आ चुका है और एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। चलिए एक बार ऑफिशियल नोटिस देख लीजिए, फिर आपको डिटेल में सारी बातें विगतवार समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग आ गए अपने ऑफिशियल नोटिस के ऊपर में। अच्छा, एक बार ध्यान रखिएगा, इसका एक बार ही जो है एग्ज़ाम कैलेंडर पूरा, एग्ज़ाम डेट जो है, ठीक है, ये आ गया था, ठीक है, और उसके बाद किन्हीं अनिश्चित कारणों के वजह से इसको फिर कैंसिल भी कर दिया गया, फिर ये दोबारा से लेटेस्ट नया डेट आया है, ठीक है। चलिए ऑफिशियल नोटिस देखते चलिए। तो सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि बिहार विधान परिषद सचिवालय के विज्ञापन संख्या 1/2024 2/2024 3/2024 के अंतर्गत रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा कार्यक्रम निम्नवर्त निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो ये प्रतिवेदक का एक पोस्ट है जिसका देखिए 10 तारीख को जो है ऑलरेडी एडमिट कार्ड अपलोड करा दिया गया प्रतिवेदक का, और ये 14 तारीख को इसका एग्जामिनेशन हो गया है। ध्यान रखिएगा, 14 को ऑलरेडी एग्ज़ाम हो गया है। यहाँ पे देखिए, परीक्षा का स्वरूप भी साथ ही साथ दिया गया है, इसमें हिंदी आशुलिपिक जांच परीक्षा, टंकन वगैरह ये सब पूछा गया था। अब सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो है यानी कि एएसओ, ठीक है, एएसओ का यहाँ पे देखिए जो पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई थी 2/2024 इस पोस्ट का जो है नोटिफिकेशन नंबर था। तो ये देखिए, यानी आज से शाम 6 बजे से जो, माफ़ करिएगा, कल से शाम 6 बजे से अपलोड हो जाएगा एडमिट कार्ड, और उसके बाद आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये 23 तारीख को जो है इसका एग्जामिनेशन होना है। अच्छा, इसका एग्ज़ाम जो होगा देखिए सेकंड शिफ्ट में होगा। अब एएसओ का जो सिलेबस है, एएसओ का जो सिलेबस दिया गया था उसी हिसाब सारा एग्ज़ाम पूछेगा, यानी कि आपका जीके जीएस रहेगा, मैथ रहेगा, ठीक है, रीजनिंग रहेगा, साइंस रहेगा, जो सिलेबस रहता है उसी अनुसार सिलेबस रहेगा। साथ ही साथ 18 को यानी कल के डेट में है, एक और रहेगा कार्यालय प्रचारी यानी रात्रि प्रहरी, कार्यालय प्रचारी यानी दरबान, और कार्यालय प्रचारी यानी सफाई कर्मी, इनका भी कल के डेट में एडमिट कार्ड आ जाएगा और इनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो जाएगा। यानी कि रात्रि प्रहरी, कार्यालय प्रचारी, इन सब का एग्जामिनेशन पहली पाली में हो जाएगा और सेकेंड शिफ्ट में आपका एएसओ का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा बात है, कोई भी अगर डेवलपमेंट होता है तो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में जाना है, ठीक है, यहीं से आपको सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। और कैसे आपको लॉगिन वगैरह करना है, देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड के द्वारा ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाइएगा। और जिस भी कैटेगरी के लिए आप फॉर्म भरे हैं, मतलब अगर आप रात्रि प्रहरी के लिए भरे हैं या एएसओ इन सब के लिए भरे हैं, तो उसी के विज्ञापन संख्या पर आप टैप करके आप डाउनलोड कर पाइएगा। यानी कि ऐसा नहीं है आप किसी पे भी चले गए और डाउनलोड कर लिए, इस बात का आपको पूर्णतः ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपका सारा जो है डाउट क्लियर हो गया होगा, और डेट अब आ गया है, आपके पास हार्डली 1 वीक का समय है, तो आप लोग पूरा तरीका से तैयारी में लग जाइए, और एग्जामिनेशन आपका है 23 तारीख को। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, कोई भी अगर डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।